तीसरा क्लास है। आज का चैप्टर है लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लिमिट फिट और टॉलरेंस क्या है और इसका उपयोग क्या है। इंटरचेंजेबिलिटी एक वर्ड है। इंटरचेंजेबिलिटी क्या है? जब एक ही तरह के अधिक मात्रा के पार्ट्स बनाने हों जो बिल्कुल एक ही साइज और शेप और शुद्धता में एक दूसरे की जगह फिट हो जाएं, तो इसे इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। द इंटरचेंजेबिलिटी इज ए नॉर्मली टर्म फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल आइटम विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ साइज। इसका कहने का तात्पर्य है इसका निर्माण आइडेंटिकल मतलब समान एक समान मास प्रोडक्शन के लिए इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मान लिया जाए इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग हमने जैसा बताया मास प्रोडक्शन मतलब बहुल्य मात्रा में इसका उत्पादन के लिए किया जाता है और वो भी आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल मैंने समान होना चाहिए। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द साइज ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट विथ ड्यू अलाउंस फॉर एरर फॉर इंटरचेंजेबल पार्ट्स इज कॉल्ड लिमिट सिस्टम। इंटरचेंजेबल करने के लिए लिमिट हमें देना बहुत जरूरी होता है। तो लिमिट क्या है पहले ही से जान लें कि लिमिट सिस्टम में हम लिमिट क्यों देते हैं। लिमिट इज नथिंग बट टू अपर और लोअर एक्सट्रीम परमिसिबल साइज बिटवीन विच द एक्चुअल साइज इज कंटेंड। अब इसका कहने का मतलब क्या है आगे देखेंगे। नो कंपोनेंट कैन बी मैन्युफैक्चर प्रिसिजली टू ए गिवन डायमेंशन मानो शुद्ध रूप से कोई भी कंपोनेंट का निर्माण हम नहीं कर सकते बिना लिमिट दिए हुए। इट कैन बी मेड टू लाई बिटवीन टू लिमिट्स कौन कौन अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स। जैसे अभी एग्जांपल्स इसको हम अच्छे तरह से समझेंगे क्या है। जैसे मान लीजिए ये शाफ्ट हैज टू बी मैन्युफैक्चर टू बी डायमीटर 40 mm। कोई हमें शाफ्ट बनाना है जिसकी डायमीटर 40 mm है तो इसका हम 40 mm का हम एक्यूरेट 40 mm का पार्ट्स हम नहीं बना सकते हैं। या तो उसे कुछ कम होगा या कुछ ज़्यादा होगा। इसके लिए हमें लिमिट देना पड़ता है। एक अपर लिमिट देंगे एक लोअर लिमिट देते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे हमें डायमीटर 40 mm का बनाना है तो 40 ± 0.02 mm लिया। इसका मतलब शाफ्ट का बेसिक जो साइज है 40 mm का है। अपर लिमिट जो हो गया 40 + जो है 0.02 है मतलब 40.02 mm हो गया। लोअर लिमिट 40 − 0.02 यानी 39.98 mm हो गया। द परमिसिबल टॉलरेंस कितना हो गया मैक्सिमम मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0.04 mm। कहने का मतलब है कोई भी पार्ट्स हम बनाएंगे तो पार्ट्स को बनाने के लिए कुछ न कुछ हमें एक्यूरेट चूँकि साइज हम नहीं बना पाते हैं तो इसके लिए कुछ अपर और लोअर लिमिट हमें देना पड़ता है। देखिए आगे जॉब के बेसिक साइज से कुछ अधिक या कम बनाने की कुछ छूट दी जाती है लिमिट कहते हैं। मतलब जो बेसिक साइज है उसे कुछ ज़्यादा या कम हम छूट देकर बनाते हैं उसे लिमिट कहते हैं। यह छूट बेसिक साइज यानी कि बेसिक की पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दी जाती है यानी पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। जैसा हमने देखा वह साइज जिसके आधार मानकर छूट दी जाती है उसे बेसिक साइज कहते हैं। सवाल उठा कि बेसिक साइज किसे कहेंगे तो जिसको हम आधार मान करके छूट दे रहे हैं उसे बेसिक साइज या नॉमिनल साइज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया शाफ्ट जिसका डाया 20 mm का है। अब इसमें प्लस और माइनस 0.02 mm हमने लिमिट दिया तो अपर लिमिट कितना हो गया ऐड कर दिया लोअर लिमिट कितना हुआ माइनस कर लिया। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे डब्बा जो बनाया डब्बा बनाना ही इसका इम्पोर्टेंट है। तो एक हमने बेस लाइन लिया बेसिक लाइन कहते हैं जीरो लाइन लिया। ऊपर हमने पॉजिटिव लिया नीचे निगेटिव लिया। अपर लिमिट को हम ऊपर ले रहे हैं एक लाइन ड्रॉ किया ये देखिए 20.02 का अपर में और लोअर निगेटिव हमने दिया है इसलिए 19.98 का एक लाइन नीचे खींच करके एक बॉक्स बना दिया। अब देखिए ऊपर में ये प्लस 0.02 नीचे में 0.02 आपका नीचे में दिया निगेटिव। टोटल कितना हो गया 0.02 प्लस 0.02 कितना हो गया 0.04 दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस यानी अब ये टोटल जो हो गया टॉलरेंस हो गया। टॉलरेंस अपर लिमिट और लोअर लिमिट घटा लेंगे तो ये टॉलरेंस देगा। अब ये बाइलेटरल कहलाएगा ये सिस्टम बाइलेटरल टॉलरेंस कहलाएगा।
अब कभी कभी देखेंगे यूनिलेटरल्स का मतलब, जिसमें कहने का मतलब है जिसका आपका एक ही, जैसे 520 प्लस 0.0 दी है, मतलब ये लिमिट कितना दिया, प्लस में दिया है, तो सिर्फ हमने प्लस में डायग्राम खींचा है 20.02, ये यूनिलेटरल टॉलरेंस कहलाएगा। तब आइए हम टॉलरेंस के बारे में पढ़ें। किसी जॉब के हाई लिमिट या अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो अंतर होता है वो टॉलरेंस कहलाता है। जैसा अभी हमने देखा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अंतर जो होता है टॉलरेंस कहलाता है। तो टॉलरेंस इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब एग्जांपल से समझिए, जैसे अभी हमने देखा जॉब की बेसिक साइज 50 mm का है और इसमें लिमिट किया दिया है 0.07 mm, तो ये आपका लिमिट प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। अपर लिमिट कितना हो गया, 50 प्लस 0.07, 50.07 हो गया। लोअर लिमिट हमने घटा लिया, 49.93 हो गया। टॉलरेंस कितना हो गया, UL माइनस LL, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट घटाया 0.4 mm आपका टॉलरेंस हो गया। अब ये हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टॉलरेंस सिस्टम में। टाइप्स कितने टाइप है, किस जॉब के बेसिक साइज पर टॉलरेंस देने की दो विधियां हैं, कौन कौन है टॉलरेंस देने की विधियां। पहला है यूनिलेटरल टॉलरेंस और दूसरा है बाइलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल्स में कौन है, यूनिलेटरल्स का मतलब है जब जॉब के बेसिक साइज में एक ही तरफ टॉलरेंस दिया जाता है तो ये यूनिलेटरल टॉलरेंस कहलाता है। यह प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए साफ्ट हमने लिया 20 प्लस 0.0 mm माइनस 0.0, तो ये टॉलरेंस हमें यूनिलेटरल, क्यों, अपर लिमिट में हमें जोड़ जाएगा लोअर लिमिट में इतना घट जाएगा, ये टॉलरेंस कितना हो गया, ये यानी प्लस 0.01, यानी ये इस तरह का जो इस तरह का टॉलरेंस जो होगा यूनिलेटरल होगा, जैसा कि हमने फिगर में पीछे दिखाया भी है यूनिलेटरल टॉलरेंस। बाइलेटरल्स का मतलब क्या है, इस विधि में जॉब के बेसिक साइज की दोनों तरफ टॉलरेंस दी जाती है, ये प्लस माइनस और दोनों हो सकता है। जैसे साफ्ट का हमने लिया डाया, कोई साफ्ट लिया जिसका डाया 20 प्लस माइनस 0.09, तो इसका मतलब हो गया अपर लिमिट 20 प्लस 0.09 इतना, लोअर लिमिट 20 माइनस 0.09 19.91। टॉलरेंस कितना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी हो गया 0.18 mm। तो ये देखा दोनों तरफ दिया गया है, इसलिए इसे बाइलेटरल टॉलरेंस कहा जाता है। हमने बताया था फिट के बारे में अध्ययन करेंगे। फिट क्या है, ए फिट मे बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स फॉर होल एंड शाफ्ट। ये कहता है कि दो होल में भी होल हो सकता है, शाफ्ट और होल हो सकता है, दो मैटिंग पार्ट्स के बीच टाइटनेस और कूलनेस का जो डिग्री होता है वो फिट कहलाता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेंबली, ये कैरेक्टरिस्टिक है असेंबल्ड करने के लिए कोई भी दो पार्ट्स का, जैसे हमने ले लिया होल और शाफ्ट का, इसको असेंबल्ड करना है तो असेंबल्ड करने की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका फिट कहलाएगा। टाइप्स ऑफ फिट कौन कौन है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट। अब वन बाई वन इसका देख लेते हैं। क्लियरेंस फिट क्या है, ऑन इंटरनल एंड इंटरनल मेंबर फिट इन एंड एक्सटर्नल मेंबर, जब एक इंटरनल मेंबर फिट हो जाता है एक्सटर्नल मेंबर में, जैसे शाफ्ट में होल में शाफ्ट, एंड एलवेज लिप्स ए एयर स्पेस, एयर स्पेस कह सकते हैं, एयर स्पेस और क्लियरेंस बिटवीन द पार्ट्स, तो ये कहलाएगा क्लियरेंस फिट। इसमें देखिए हमने एक फिगर दिखाया है, ये मान लीजिए आपका है, ये शाफ्ट है जिसका डाया आप देख रहे हैं 51.248, और आपका जो है ये आपका शाफ्ट का है और ये किसका होल का डाया है 1.250, मतलब होल का जो डाया है शाफ्ट से बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्लियरेंस फिट होगा। क्लियरेंस फिट का सब डिवीजन कौन कौन है, अभी इसमें देखिए मिनिमम एयर स्पेस, मिनिमम मतलब होल का जो डाया है उसमें शाफ्ट का जो डाया घटा लेंगे तो मिनिमम एयर स्पेस देगा, ये देखिए मिनिमम एयर स्पेस दिया है, तो ये क्लियरेंस फिट में ही होता है। अब इसका सब डिवीजन कौन है, लूज फिट है, रनिंग फिट है, स्लाइड फिट है। आइए इंटरफेरेंस फिट देखेंगे, द इंटरनल मेंबर्स इज लार्जर देन द एक्सटर्नल मेंबर, जिसका इंटरनल मेंबर जो होता है बड़ा होता है एक्सटर्नल मेंबर से, सच दैट देयर इज एल्वेज एक्चुअल इंटरफेरेंस ऑफ मटेरियल। अब देखिए अब इसमें क्या है,
हमने यहाँ फिगर दिखाया है, यहाँ देख रहे होंगे आपका ये साफ्ट है, ये होल का है, यानी अब इसमें 1.2506 है और ये साफ्ट कितना 1.2513 इंच है, तो ये बड़ा हो गया साफ्ट और होल छोटा हो गया, होल क्या हो गया छोटा हो गया, इसलिए इसका इंटरफेरेंस जो होता है अलाउंस इसका हमेशा निगेटिव होता है, जैसा कि बियरिंग इन कास्टिंग, कास्टिंग में जो बियरिंग होता है इंटरफेरेंस का उदाहरण होता है, इंटरफेरेंस फिट का उदाहरण होता है। आप देख लीजिए, चूंकि आपका इसका होल छोटा है और साफ्ट का डायमीटर बड़ा है तो ये निगेटिव देगा इंटरफेरेंस, इस तरह के फिट इंटरफेरेंस फिट कहलाते हैं। ट्रांजिशन फिट में भी रिजल्ट इन आइदर क्लियरेंस फिट और टॉलरेंस कंडीशन, क्लियरेंस और टॉलरेंस दोनों का हो सकता है। दैट इज एग्जाम्पल लीजिए, द स्मॉलेस्ट साफ्ट मान के चलिए 1.2503 इंच विल बी फिट इन द लार्जेस्ट होल 1.2506 फिट विथ 0.03 प्लस अलाउंस, यानी प्लस और माइनस दोनों, यहाँ आपका प्लस होगा। आप देख लीजिए साफ्ट कितना है, साफ्ट का जो स्मॉलेस्ट साफ्ट का ये है और लार्जेस्ट होल का ये है, तो देख रहे हैं होल से आपका ये साफ्ट छोटा है तो प्लस हो गया। सेम कंडीशन, लार्जेस्ट साफ्ट 1.2509 है और आपका स्मॉलेस्ट होल 1.500 है, तो उस कंडीशन में होल में से अगर साफ्ट घटाएंगे तो माइनस अलाउंस आएगा 0.09, तो इस तरह के फिट को ट्रांजिशन फिट कहा जाता है। धन्यवाद।